गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड माई सेल्फ कांता भक्तानी सब्जेक्ट साइंस यूनिट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन यूनिट फोर द ह्यूमन बॉडी ठीक है योर बॉडी ए ब्यूटिफुल मशीन यूनिट फोर द ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी योर बॉडी हमारी बॉडी जो है एक ब्यूटिफुल मशीन है ओके वॉकेबलरी देखो सेल सेल क्या है ए द स्मॉलेस्ट यूनिट विच लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप एक स्मॉल यूनिट है जो कि लिविंग थिंग्स को बनाती है और इसको हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं और एनिमल्स किससे मिलकर बने होते हैं लिविंग थिंग प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं स्मॉल यूनिट होती है सेल्स उससे मिलकर बना होता है सेकेंड ए टीशू ए ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन टीशू क्या होता है ये सेल्स से मिलकर बनाता है जब बहुत सारे सेल्स जो कि सेम फंक्शन करते हो वो एक ग्रुप बना के एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो टीशू कहलाते हैं ऑर्गन ए पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज ए पर्टिकुलर परपज सच एज ए हार्ट लंग्स एसेट्रा बॉडी का एक पार्ट जो कि एक पर्टिकुलर परपज़ के हिसाब से बनाया जाता है वो ऑर्गन कहलाता है जैसे हार्ट लंग्स एसेट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि हम ब्रीथिंग के दौरान सांस सांस लेने के दौरान आउट करते हैं गैस से बाहर निकालते हैं नर्व नर्व क्या है एक बंडल है फाइबर्स का जो कि मैसेज ले जाता है ब्रेन को और ब्रेन से मैसेज लेके आता है ब्लड ब्लड क्या है द रेड कलर का लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहता रहता है द ह्यूमन बॉडी वर्क एंडलेसली ऑन इट्स ऑन इट्स ह्यूमन बॉडी जो है अंत तक काम करती रहती है ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एस टू इंस्ट्रक्शन इट वॉट टू डू ओन विदाउट वेटिंग फॉर एस टू इंस्ट्रक्शन इट वॉट टू डू हमारे इंस्ट्रक्शन से पहले ही हमारी बॉडी जो है बिना रुके काम करती रहती है जस्ट एज ए स्कूटर और ए ट्रक हैज़ डिफरेंट पार्ट्स लाइक डोर विंडोज इंजन व्हील्स एक्सेट्रा जैसे कि स्कूटर और ट्रक के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे डोर विंडो इंजन व्हील्स एक्सेट्रा ऐसे ही सो ऑल्सो द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट ऐसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स है इच पार्ट इज प्रत्येक पार्ट इज कॉल्ड एंड ऑर्गन कहलाता है जस्ट एज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ ए मशीन और ऑयल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम Getting spoiled, the body too need to be oiled, if we want to keep it in a good running condition. जैसे एक machine को time to time जो है oil चाहिए, वैसे ही हमार, ताकि मशीन वैसे हमारे ताकि machine खराब ना हो, वैसे ही हमारे body को भी oil चाहिए ताकि वह good running condition में बनी रहे। उसको अच्छी condition में रखने के लिए उसको भी oil चाहिए। Oiling of the body means doing regular exercise, eating nutrition food and drinking. प्लेंटी ऑफ वाटर ऑयल का मतलब यहाँ पर क्या है रेगुलर एक्सरसाइज करना न्यूट्रिशन वाला फूड खाना और बहुत सारा पानी पीना ये सब चीज़ें जो होती है एक बॉडी को क्या बनाती है चेयरफुल और हैप्पी बनाए रखती है रिमेंबर ए हेल्थी माइंड लिव इन ए हेल्थी बॉडी रिमेंबर यह आपको याद पता ही है कि है ना एक हेल्थी माइंड जो है हेल्थी बॉडी के अंदर ही रहता है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन बिलियंस ऑफ टीनी सेल्स हमारी बॉडी जो है किससे मिलकर बनी होती है बहुत सारी सेल से छोटी छोटी सेल से छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी और सेल्स क्या है एक स्मॉल यूनिट है हमारी बॉडी की दे कैन ओनली बी सीन तो ए माइक्रोस्कोप जो कि केवल हम इसको किससे देख सकते हैं ओनली माइक्रोस्कोप से दे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं है. यहाँ पे सेल्स दी गई है डायग्राम के अंदर देखो यहाँ पे और टिशू भी दिया गया है काफ़ी सेल्स मिलकर जो है टीशू का भी बनाती है सेल्स ऑफ द सेम टाइप टाइप जॉइंट टुगेदर टू तो फॉर्म ए टीशू और सेम टाइप्स की सेल्स मिलकर क्या बनाती है किसका निर्माण करती है टीशू का टीशू ऑफ द डिफरेंट टाइप्स टाइप्स जॉइंस टुगेदर टू तो फॉर्म ए एन ऑर्गन और, और डिफरेंट टाइप की जो टीशू जो है मिलकर क्या बनाती है एक ऑर्गन बनाती है एक एक ग्रुप ऑफ़ ऑर्गन्स टुगेदर कैरी और आउट वन पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी एक एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन का एक ग्रुप जो है क्या करता है एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन का काम करता है एक औरगन का ग्रुप जो है मिल कर जो होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है हमारी बॉडी के लिए काम करता है जैसे कि लेग्स है जैसे वॉक का, का काम करती है दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम और ये क्या करते हैं ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं दे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू कीप द बॉडी इन अ हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशन एक बॉडी को जो है हेल्दी और वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए डिफरेंट ऑर्गन काम करते रहते हैं एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के रूप में इवन इफ वन ऑफ द ऑर्गन स्टॉप वर्किंग द पर्सन विल फॉल सीक यदि एक भी ऑर्गन हमारे बॉडी का काम करना बंद कर देता है तो पर्सन क्या हो जाता है बीमार हो जाता है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ए बॉडी विदाउट ऑर्गन्स इज़ लाइक ए फैक्ट्री विदाउट मशीन हमारी बॉडी जो है बिना ऑर्गन्स के वैसे ही होगी जैसे बिना फैक्ट्री में बिना मशीनों के जैसे फैक्ट्री होती है वैसे ही इफ़ देयर आर नो मशीन यदि कोई भी मशीन नहीं होगी तो नो वर्क विल बी डन तो कोई भी काम नहीं हो सकता है होगा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन फॉर द बॉडी डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के लिए सम ऑर्गन्स लाइक द फाइव सेंस ऑर्गन कैन बी सीन जो कुछ ऑर्गन है जैसे फाइव सेंस ऑर्गन जिसे हम देख सकते हैं अदर ऑर्गन जबकि अदर ऑर्गन जो होते हैं वो जैसे कि हार्ट स्टमक किडनी ये सब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं सेंस ऑर्गन्स वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स है विच हेल्प अस टू कनेक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं जो वो जो है बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं जुड़कर हमारी मदद करते हैं जैसे कि आईज हेल्प करती है हमारी आसपास की वस्तु देखने में ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है आई ईयर नोज टंग स्किन तो ये इसके बारे में ये क्या करती है हमारे आईज़ जो होती है मदद करती है हमारे आसपास की वस्तु देखने में और ईयर्स हेल्प टू टी हियर डिफरेंट साउंड और ईयर हमारी मदद करता है अलग अलग साउंड सुनने में नोज मदद करता है अलग डिफरेंट uh, स्मेल लेने में और टंग जो है हमारी मदद करती है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का टेस्ट लेने में द स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन से हमारी बॉडी का और इट हेल्प अस टू फील वह इससे हम क्या करते हैं महसूस करते हैं द सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज टू द ब्रेन एंड हेल्प अस टू सी हियर स्मेल एंड टेस्ट एंड फील सेंस ऑर्गन जो है मैसेज को ले जाता है ब्रेन को और मदद करता है हमें देखने में सुनने में सूंघने में और टेस्ट और फील में ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम इज मेडअप ऑफ मैनी ऑर्गन हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो मैनी ऑर्गन से मिलकर बना होता है ऑल वर्किंग टूगेदर टू परफॉर्म एन पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द बॉडी ये सारे मिलकर आ, एक पर्टिकुलर फंक्शन काम को करते हैं हमारे बॉडी के लिए ऑर्गन लाइक द माउथ ऑर्गन जैसे कि माउथ है माउथ फुट पाइप स्टमक इंटेस्टाइन एसेट्रा हेल्प इन ईटिंग ये सब हमारे किस में मदद करते हैं खाने में एंड डाइजेस्ट भोजन को डाइजेस्ट करने में ईच ऑर्गन कैरीड आउट ए डिफरेंट फंक्शन प्रत्येक ऑर्गन जो है डिफरेंट डिफरेंट कार्य करता है द माउथ जो है वो भोजन को चबाने में आ, हेल्प करता है और स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में सो ऑन कैन द स्टमक चीव फूड लाइक द माउथ नो इट कैन नॉट क्या स्टमक जो होता है फूड को माउथ की तरह चबा सकता है नहीं ऐसा नहीं कर सकता है द ह्यूमन बॉडी हैज़ हैज़ एट मेन ऑर्गन सिस्टम दे आर ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है एट ऑर्गन सिस्टम है दे आर कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम ब्रीथिंग सिस्टम सर्कुलर सिस्टम स्केलेट्रॉन सिस्टम एग्सरी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब इसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे और लेटर्स स्टडी अध्ययन करेंगे और ज़्यादा जानेंगे इस ऑर्गन्स के बारे में कि किस तरह से ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अब डाइजेस्ट सिस्टम डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन टू स्मॉलर पीसेज सो दैट द बॉडी कैन यूज़ इट टू गेट एनर्जी डाइजेस्ट सिस्टम क्या करता है हमारा वो भोजन को क्या करता है बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है और जिससे कि वो हमारी बॉडी जो होती है एनर्जी प्राप्त करती है एनर्जी लेती है फर्स्ट पॉइंट है द माउथ हेल्प इन चीविंग द फूड माउथ क्या करता है भोजन को चबाने में मदद करता है हमारी द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट सो दैट इट कैन बी पूज डाउन द फूड पाइप और सलाइवा जो हमारी टंग पे होती है पता है ना चिपचिपा पता होता है जो कि भोजन को क्या कर देता है सॉफ्ट करता है और सॉफ्ट करके वो फूड पाइप में धकेलता है उसको सलाइवा के द्वारा ही चिपचिपा होने के बाद ये आगे फूड पाइप में जाता है द फूड पाइप कैरी द फूड फूड फ्रॉम द माउ टू द स्टमक और फूड पाइप क्या करती है माओ से भोजन को लेकर स्टमक में पहुँचाती है द स्टमक प्रोड्यूस मोर जूस विच एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक्स इट इन टू स्टिल स्मॉलर पीसेस पार्टिकल्स स्टमक क्या करता है एक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि उसका प्रभाव जो है फुट पर पड़ता है और वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है आफ्टर ए फ्यू आवर्स कुछ घंटे के बाद फूड फ्राम द स्टमक रिचेज द इंटेस्टाइन और कुछ घंटों के बाद भोजन जो होता है स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुँचता है द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द गुड पार्ट ऑफ द बॉ ऑफ द फूड और इंटेस्टाइन क्या करती है अच्छे पार्ट से भोजन के अच्छे भाग को क्या कर देती है एब्जॉर्व कर लेती है और अनडाइजेस्ट फूड जो अनडाइजेस्ट फूड होता है पार्ट ऑफ़ द फूड का वो रिमूव कर दिया जाता है बॉडी के एन एस के द्वारा ऑल दिस ऑर्गन्स मेक ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम ये सारे ऑर्गन मिलकर किसको बनाते हैं डाइजेस्ट सिस्टम को बनाते हैं ब्रीथिंग सिस्टम ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन थ्रो आवर नोज हमारे नोज के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो हवा के दौरान हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ऑल ऑर्गन्स टू फंक्शन प्रॉपरली और ऑक्सीजन जो होती है जरूरी होती है सभी फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए हमारे बॉडी के सभी फंक्शन जो होते हैं उनको प्रॉपर्ली करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है द एयर फ्रॉम द नोज गो गोज़ डाउन द विंड पाइप ठीक है अब ये एयर जो होती है नोज पाइप से कहाँ जाती है विंड पाइप में जाती है from the pipe, the air reaches the lungs, और फ्रॉम द विंड पाइप द एयर रिचेज़ द लंग्स और विंड पाइप से ये एयर कहाँ पहुँचती है लंग्स में पहुँचती है आफ्टर द बॉडी हैज़ यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर और हमारी बॉडी क्या करती है ऑक्सीजन एयर से ऑक्सीजन को यूज कर लेती है इट गिव्स आउट कार्बन डाईऑक्साइड और ए वेस्ट गैसेज और वेस्ट गैसेज जो है कार्बन डाईऑक्साइड उसको बाहर निकाल देती है विच इज़ नॉट रिक्वायर इन द बॉडी एंड कम्स आउट और इसकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती है इसलिए इसको बाहर कर दिया जाता है एडल्ट लंग्स होल्ड एन एवरेज ऑफ थ्री लीटर ऑफ एयर एक एडल्ट लंग्स को करीबन थ्री लीटर्स एयर को क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है कैडल लंग्स द नोज़ हैज़ ए नंबर ऑफ़ स्मॉल हेयर इनसाइड इट नोज़ के अंदर असंख्य क्या होते हैं छोटे छोटे जो है, होते हैं हेयर होते हैं दे एक टेज दे फिल्टर वो एक क्या काम करते हैं फिल्टर का, का काम करते हैं नॉट अलाउ डस्ट एंड जर्म्स टू एंटर द बॉडी वो डस्ट और जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं स्केलेट्रॉन सिस्टम अब स्केट्रॉन सिस्टम देखो द स्केर सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन स्किल सिस्टम किससे बना होता है एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग बोन से मिलकर बना होता है विच आई हेल्ड टूगेदर टू फॉर्म द स्केलेट्रॉन जो कि मिलकर क्या करता है एक स्किलट्रॉन बनाता है द स्कीटॉन स्टार्ट विद द हार्ड स्कल इन हेड एंड एंड विध द बोन्स इन द फीट हमारे स्किलेटॉन कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे ऊपरी हिस्सा जो हेड होता है हेड के अंदर जो होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये बोन जहाँ कहाँ होती है, uh, है वहाँ जाके बॉडी ही हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर हमारी बॉडी कैसे होगी जैसी हो जाएगी हम उस साइड बढ़ती जाएगी ठीक है ना अगर बॉडी के अंदर बोन्स ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी कैसी होगी अब कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू बोन्स और हमारे ऊपर स्कल यहाँ पे किसको बोल रहे हैं आपका ऊपरी हिस्सा जो है हेड वाला हिस्सा उसको स्कल बोल रहे हैं उसके अंदर कितनी बोन्स होती है ट्वेंटी टू बोन्स होती है ए चाइल्ड हैज थ्री हंड्रेड बोन्स इन हिज बॉडी एक चाइल्ड के अंदर थ्री हंड्रेड बोन्स होती है एज ही ग्रो अप मैनी बोन्स फ्यूज टूगेदर एंड एडल्ट हैज़ टू हंड्रेड सिक्स बोन्स और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसकी बहुत सारी बोन्स जो होती है वो फ्यूज होती जाती है और एडल्ट एज में ओनली टू हंड्रेड सिक्स बोन्स ब रहती है मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप मसल्स से मिलकर बना होता है द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ मसल्स जो कि हमारे बॉडी को ढके हुए रहता है मसल्स आर जॉइंट टू द बोन टू द बोन्स मसल्स क्या करता है जॉइंट बोन्स बोन्स को ढके हुए रहता है सारी मसल्स आर जॉइन करता है बोन्स को जोड़ता है दे हेल्प इन मूविंग द बोन्स ये क्या करता है बोन्स को मूव करने में मदद करता है और बॉडी को टर्न करने में भी मदद करता है मसल्स हेल्प अस टॉकिंग मसल्स मदद करता है हमारी किस्में टॉकिंग में लाफिंग में क्राइंग में गेटिंग एनर्जी में और प्लेइंग वॉकिंग और जंपिंग में एसेट्रा एसे में अब मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड हमारी बॉडी हमारी मसल जो होती है सिकुड़ती और फैलती भी है फैल सकती है हमारी मसल्स जो है डू यू नो हाउ मेनी मसल्स वी यूज वाइल्ड वॉकिंग टू हंड्रेड मसल्स क्या तुम जानते हो कि हम कितने मसल्स जो होते हैं वॉकिंग में यूज करते हैं चलने में तो टू हंड्रेड मसल्स हैं जो कि हमारे चलने में हेल्प करते हैं द मोर यू मोर यू एक्सरसाइज द स्ट्रॉगर द मसल्स बिकम्स तुम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी मसल्स जो होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी क्या हैव यू सीन द मसल्स और बॉडी बिल्डर्स क्या तुमने देखे हैं बॉडी बिल्डर्स की मसल्स को दे आर स्ट्रॉन्ग एंड बिग वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिग होती है बिकॉज दे लिफ्ट एवी वेट क्योंकि वो ज़्यादा क्या करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट को उठाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं थका देने वाली से करते हैं नर्वस सिस्टम द नर्वस सिस्टम इज मैडम ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है नर्व्स और ब्रेन से मिलकर बना होता है द ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ़ द सिस्टम नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग uh, सिस्टम क्या कौन है ब्रेन है द नर्व फॉर्म में नेटवर्क बनाती है हमारे बॉडी के अंदर और वो, वो क्या करते हैं मैसेज को ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन से मैसेज हमारे तक लेके आते हैं द ब्रेन जो है हमारी मदद करता है किस में मदद करता है सोचने में सीखने में और थिंग वस्तुओं को याद करने में ऑल अवर जो एक्शन हम करते हैं सारे उन सब सब पर हमारा नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है जैसे वॉकिंग में टॉकिंग में लॉफिंग में क्राइंग में सीइंग में हियरिंग में लर्निंग में और सब पे कंट्रोल कर किसके द्वारा किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है द आगे द ब्रेन इट सेल्फ इज मेड अप ऑफ द नियरली एट बिलियन सेल्स है हमारा ब्रेन के uh, किससे एट बिलियन सेल्स से, uh, से मिलकर बना होता है और वो क्या करता है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसे भाई नर्वस सिस्टम काम करता है इट अलर्ट यू ऑफ टेंजर्स यह तुम्हारे लिए खतरनाक है ये इसके लिए हमें इमिडिएटली क्या करता है अलर्ट करता है नर्वस सिग्नल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ फोर ओवर फोर हंड्रेड किलोमीटर पर हावर से नवरा हमको सिग्नल देता है फोर हंड्रेड किलोमीटर पर हावर से इतनी स्पीड से हमको सिग्नल देता है ऑर्गन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं ब्रेन नर्व स्पाइनल कार्ड ये सब क्या है नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट ब्लड एंड ट्यूब कोल्ड ब्लड वेसल्स सर्कुलर सिस्टम जो है किसे बनाता है हर्ट ब्लड और ट्यूब से मिलकर बना होता है जो कि ब्लड वेसल्स कहलाता है देर इज रेड कलर लिक्विड फ्लोइंग थ्रो आउट द बॉडी एक रेड कलर का लिक्विड बेहतर रहता है बॉडी के अंदर जो कि जो रेड uh, कलर का लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है ब्लड कहलाता है द ब्लड फ्लो थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स ब्लड होता है बेहतर रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर और केरिंग साथ में वो क्या ले जाता है ऑक्सीजन और फूड जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी जरूरी है ना एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो है एंड वेस्ट टू बी थ्रो आउट दस एक्ट एक्टि एक्टिंग एज अ डिलीवरी बॉय एंड ए गार्बिक मैन और कार्बन डाईऑक्साइड को थ्रो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको थ्रो करता है बाहर अपनी बॉडी से वैसे ही uh, करता है एक निकालता है जैसे कि एक डिलीवरी बॉय जो है और एक गार्बिक मैन करते हैं द हार्ट इज द कंट्रोल सीट ऑफ द सर्कुलर सिस्टम हार्ट जो है सर्कल सिस्टम को कंट्रोल करता है इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और पंप करता है ब्लड देता है बॉडी के, के सभी भागों में ऑल पार्ट्स को बॉडी बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड पंप कर ब्लड पंप करता है ऑर्गन ऑफ द सर्कल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम सर्कल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन से हार्ट ब्लड ब्लड वेसल्स ब्लड उसके आर्टरी जो वेंस आती है जो कि ब्लड ले जाने का काम करती है द ह्यूमन हार्ट पंप ओवर थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी लीटर्स आप ब्लड पर डे में पंप करता है और द हार्ट जो है बीट करती है थ्री मिलियंस टाइम इन ए ईयर के अंदर एक्सकूसि सिस्टम्स द इफ वेस्टेज आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी अगर हम बॉडी के अंदर से वेस्टेज को बाहर नहीं निकालेंगे तो ए पर्सन कैन इनफॉल्स बीमार हो जाएगा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ़ द एक्सेस सिस्टम हेल्प इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गन है, है हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस सिस्टम जो कि हमें मदद करता है वेस्ट को बाहर निकालने में बॉडी से ए पेयर ऑफ किडनी एक पेयर होता है किडनी का जो रिमूव करता है वेस्ट को किस रूप में यूरिन के रूप में बॉडी से निकालता है द स्किन मदद करती है सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालने में वो किस रूप में निकालते हैं अपन बॉडी को सॉल्ट को बॉडी से पसीने के रूप में स्किन से निकलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम द रिप्रो सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस रिप्रोडक्ट किस में मदद करता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने में और ज, 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 क्योंकि रिप्रोड के कारण ही पृथ्वी पर जो है लाइफ जो है कंटिन्यू रहती है और इसके बारे में और अगर रिप्रोडक्ट सिस्टम में और आगे ज़्यादा जानकारी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे फूड फूड इज एनीथिंग इटन बाय फूड को ह्यूमन uh, और जो एनिमल्स uh, है वो ली, जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए खाते हैं वी शुड हैव ए वेल बैलेंस डाइट क्या होता है एक अच्छा बैलेंस डाइट जो होता है वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है वी और हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा, खाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं वेजिटेरियन कहलाते हैं और ओनली और जो फिश वगैरह मीट वगैरह एक वगैरह भी खाते हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे